सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतों को सुना गया। ज्यादातर शिकायतें राजस्व संबंधी थी। संपूर्ण समाधान दिवस में रेड स्टंप की शिकायतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में ज्यादातर शिकायतें राजस्व संबंधी आती हैं, साथ ही नाली खरंजा के विवाद भी संपूर्ण समाधान दिवस में आ रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में पुलिस और कई विभागों के प्रतिनिधि की मौजूदगी में फरियादियों की समस्या का निराकरण किया जाता है। जो समस्याएं आती हैं यहाँ पे, जैसे आपकी नाली की सफाई, तालाब की सफाई, चक्रोड पे कब्जा मुक्त करवाना या किसी की प्राइवेट जमीन के कब्जे से संबंधित भी शिकायतें हमारे पास आई हैं और कुछ शिकायतें पुलिस विभाग से संबंधित रही हैं। सभी शिकायतों को देख करके और यहाँ पे मौके पे जितने भी अधिकारी उपस्थित हैं सभी को निर्देशित किया गया कि वो गुणवत्ता पर उसका निस्तारण करें। संपूर्ण समाधान दिवस का मकसद फरियादियों को समय पर न्याय मिल सके, इसलिए रेड स्टाम्प व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। रेड स्टाम्प के तहत संपूर्ण समाधान दिवस में बार बार आने वाले फरियादी को मायूस न होना पड़े, इसलिए रेड स्टाम्प के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी जाती है। नई प्रथा शुरू की है जिसमें एक से अधिक बार जो शिकायतें आती है उनको रेड इंक मार्क किया जाता है। जो मोहर होती है वो रेड कलर की लगती है, तो उसमें जो पुरानी आख्या है उससे संबंध में यदि आख्या गलत लगाई गई थी तो यहाँ पे बुलाकर के उस अधिकारी को बताया गया कि आपके द्वारा जो आख्या लगाई गई है इसका गुणवत्ता पर निस्तारण नहीं हुआ है, तो उनको फिर से आदेशित किया गया कि अगले तहसील दिवस तक ये समस्या का समाधान हो जाए। और जो फर्स्ट टाइम में शिकायतें हैं उनको सीधा संबंधित विभाग के पास भेजा जा रहा है। संबंधित विभाग का मंतव्य लेने के पश्चात उन शिकायतों को हम यहाँ देखते हैं, फिर उसको मार्क करते हैं। देखिए, ये शिकायत ऐसी है कि जब प्रार्थी संतुष्ट नहीं होता तो तब वो वापस लेकर के आता है। इसी क्रम में हमने ये शुरुआत की थी कि जो आप पुरानी जो आख्या है उसको भी अटैच करके लेकर के आएं ताकि हम उसको पढ़ सके और देख सके कि वास्तव में जो आख्या लगाई है वो सही है कि गलत है। संपूर्ण समाधान दिवस में भी तमाम फरियादी ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते न्याय नहीं मिल पाता। अधिकांश शिकायतें लेखपालों की आती हैं। लेखपाल शिकायतों पर विशेष ध्यान नहीं देते, यही कारण है कि पीड़ित को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। सी न्यूज़ के लिए मनीष जैन की रिपोर्ट।